अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो अभी आप मेरी साइड में वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो ने सभी आतंकियों के ऊपर नफरत फैलाने वालों के मुंह पे थप्पड़ मारा है, उन जाहिलों के मुंह पे थप्पड़ मारा है जो इस्लाम की दिन रात बुराई करने में, इस्लाम की बेइज्जती करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये जो औरत है ये एक टीचर है, हिंदुस्तान की केरला की रहने वाली है। इसने अभी हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया है और ये इस टाइम मक्का से लाइव है। मक्का में इसने उमरा किया, हज किया, मक्का गई हुई है। इसके पीछे की कहानी क्या है, जो इस लड़की ने, इस औरत ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, जब से हिजाब का मामला पश्चिमी भारत के अंदर उठा है, जब से हिजाब का मामला उत्तरी भारत के ऊपर उठा है, जब से हिजाब का मामला पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर उठा है, इस टीचर को बुरा लगा और इसने कड़ी निंदा की उन जाहिलों को, उन भगवाधारी गुंडों को, उन सारे लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि हिजाब इस्लाम की पहचान है। आप मस्जिदों पे, आप मुसलमानों पे किसी भी जगह अगर हमला करते हो तो उससे इस्लाम रुकने वाला नहीं है। इतिहास उठा करके देख लो, जब से दुनिया बनी है लाखों लोग आए, फिरौन आया, कारून आया, बहुत ही जालिम से जालिम बादशाह आए, लेकिन कोई भी आज तक इस्लाम को फैलने से रोक नहीं पाया। इंशाअल्लाह ताला ना ही आगे रोक सकता है। सिर्फ तुम लोग क्या कर सकते हो, जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, उन लोगों से बात कर रहा हूं ये मैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की फूट को बढ़ा सकते हैं, जिनके बीच में फूट नहीं पड़ी हुई है उसमें फूट डाल सकते हैं, एक दूसरे को लड़वा सकते हो, देश का नुकसान कर सकते हो, दोनों पक्षों को जेलों में डलवा सकते हो, कुछ जिंदगियों को बर्बाद करने का काम कर सकते हो बस। लेकिन याद रखना, ये सब करने से पहले कि लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में हमारा अकेलों का मकान नहीं है, आपके आपके बच्चों के, आपकी नस्लों के ऊपर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। इसको ध्यान में और जहन में बिठा करके रख लो कि आज नहीं तो कल इसका जो प्रभाव है, जो आप काम करते फिर रहे हो, इसका प्रभाव आपकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान, इस्लाम फैलता आ रहा है जब से दुनिया बनी है और फैलता ही रहेगा। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ इस लेडीज की, इस औरत की बहुत ही प्यारी सी आवाज, जिसमें ये केरला भाषा के अंदर कुछ बता रही है, लेकिन इसका कहने का मतलब यही है, ये मुसलमान कैसे हुई, मुसलमान होने के बाद इसको क्या फीलिंग आ रही है, मक्का में क्या फीलिंग आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है लोगों को बीच, लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ते देख इसको कितना बुरा लगता है, ये सारी चीजें इसने डिस्क्राइब की है। तो चलिए सुनवाता हूँ मैं आपको ये इस वीडियो। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबरीमाला என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமாலாவாக ஏக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு முகம்மது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறைவனின் தூதர் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக காபத்துல்லாவிலிருந்து அறிவிப்பு செய்கிற உன்னதமான தருணமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். அல்லாஹு அக்பர். இறைவன் மிகப்பெரியவன். तो दोस्तों सलाम है इस बहन को दिल से, इंशाअल्लाह ताला ये आबाद रहे, खुश रहे, सारी दुनिया में इसके नाम की इज्जत हो, इसका नाम का डंका बजे और अल्लाह की नज़र में इसके सदक़े में दूसरे लोगों की भी शफाहत हो, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इसकी भी मगफिरत करेगा, हमारी भी मगफिरत करेगा, और जितने भी लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा, अल्लाह उनको अपनी रहमत के साए में रखेगा, और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी अल्लाह सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग लड़ाई का काम करते हैं, लगातार इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको अकल सलाहियत दे और नेक रास्ते पे लेकर आए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। अल्लाह हाफिज़।